नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। बिजनौर में आबकारी पुलिस टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई में एक अभियुक्त को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार हुए अभियुक्त के पास से पुलिस ने अवैध शराब के 22,574 ढक्कन और 4090 QR कोड बरामद किए। अवैध शराब के कारोबारियों में आरोपी की पत्नी का भी नाम प्रकाश में नहीं आया। नूरपुर में कस्बे में ही कबीर नगर मोहल्ले में एक व्यक्ति पकड़ा गया, रिंकू शर्मा नाम से, जो अपने घर में ही अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ नकली शराब बनाना और ब्रांडेड शराब का उसमें अमली जामा देना, इसमें करीब 22,000 से ज़्यादा ढक्कन, जिसमें सर सादी लाल डिस्टिलरी के, मेक डबल ब्रांड के, इंपीरियल ब्लू के, रॉयल स्टॉक के एवं QR कोड के 4090 QR कोड बरामद हुए हैं। ये ज्ञात हुआ पूछताछ पर। रिजवान नाम का एक व्यक्ति जो बरेली का था, मटेरियल सप्लाई करता था, धामपुर का एक राणा नामक व्यक्ति था, इसकी पत्नी लक्ष्मी, ये सारे लोग मिल करके नकली सामान ला करके यहाँ पर फिलिंग करते थे एवं QR कोड के साथ में ये सप्लाई करते थे। पूछताछ के दौरान ये भी बताया कि ये कुछ दुकानों पर भी सप्लाई करते थे। अभी सिर्फ एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, 3 की तलाश जारी है। इनके खिलाफ गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट एवं 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। क्या शराब ऐसे थी कि जानी जा सकती थी कुछ? जो ये नकली मिक्स करके शराब बना रहे थे, इसके मिक्सिंग में उलट फेर हेरा फेरी होने पर इसमें जान भी जा सकती थी। ये जो गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत है, 419, 20, 67, 71, 272 IPC, 60(1) एक्ट, जिसमें फांसी तक की सजा है। गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत है, लोग विधिक कार्रवाई की जा रही है।